आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैट्रिसेस में जो है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, जो कि उर्दू मीडियम में उसको नादिर और गैर नादिर कालिब कहा जाता है। तो इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंडीशंस देखेंगे कि ऐसे कौन से मैट्रिक्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और ऐसे कौन से मैट्रिक्स होते हैं जो नॉन सिंगुलर होते हैं। उसके बाद मैं आपको जो है एक एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, जो कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की होगी। एक और एमसीक्यूज आपको बताऊंगा कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टों के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में पीपीएससी के टेस्ट होते हैं, उसके अलावा एनटीएस के टेस्ट और भी जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, जॉब्स के हवाले से या किसी कहीं पे आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। वो कहा जाता है कि चेक द सिंगुलैरिटी ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, यहाँ इस तरह का भी एमसीक्यूज आ जाता है। और ये कहा जाता है कि ये बताएं कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, नीचे लिखा होता है सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, स्केयर, इस तरह की टाइप्स बताई जाती हैं, तो आपने उनमें से सिलेक्ट करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं, इससे पहले मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर उसी को समझ आएगा जिससे पहले डिटर्मिनेंट का पता होगा, अदरवाइज ये आपके लिए क्लियर करना ईजी नहीं होगा। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और आपको वो मिल जाएगी। हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, वो मैट्रिक्स है हमारे पास 5 6 एंड 5 6, ये एक मैट्रिक्स हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, आप इस तरह से जो है सीधी दो लाइनें लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो आपको एलिमेंट दिए जाएँ उनको भी आप ऐसे सीधी लाइन में लिख लेते हैं, क्लियर। उसके बाद क्या होता है, डिटर्मिनेंट में आप डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं और नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं और मिड में आप माइनस लगा देते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 5 क्रॉस 6 माइनस 5 क्रॉस 6, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 30 माइनस 30 विल बी इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर होगा, यानी कि द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। इसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, उसकी भी मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड कर देता हूं। हम लिखते हैं जी एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं बी, ठीक है, उस मैट्रिक्स में मैं लिखता हूं 2 3 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या लेना है, इसका डिटरमिनेंट लेना है। जैसे डिटरमिनेंट लेंगे यहां पे लिखेंगे 2 क्रॉस 0 माइनस 4 क्रॉस 3, ठीक है, 2 क्रॉस 0 ये 0 होगा, -12 आ जाएगा। बी का डिटरमिनेंट हमारे पास इक्वल आया -12 के। तो अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि मैट्रिक्स बी का जो डिटरमिनेंट आया वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। द मैट्रिक्स बी बी इज ए नॉन सिंगुलर, ये बेसिक कंसेप्ट है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का, जो कि मैट्रिसेस में हम चेक करते हैं। याद रखें जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जिसका जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा उसमें हम कहेंगे कि वो हमारे पास नॉन सिंगुलर है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद ये है, कोई भी आपको मैट्रिक्स जो है एमसीक्यूज के हवाले से ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा कि आपसे कहा जाएगा चेक द गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो ये बेसिकली एमसीक्यूज इस तरह से आता होता है जो मैंने आपको बताया, चेक द गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो आपको मैट्रिक्स भी दिया जाएगा, आपको अगर ये प्रोसेस आता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 9th क्लास के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आप जब भी 5th ईयर पेपर उठा के देख लें वहाँ पर आई हुई है। नेक्स्ट हमारी वीडियो जो है वो जो है इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस के हवाले से है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें क्योंकि इसके हवाले से भी एमसीक्यूज भी आते होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।